स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक टॉपिक देखे हैं, यूनिट 3 रिफ्रिजरेशन रिफ्रिजरेंट्स। सो यूनिट 3 रिफ्रिजरेंट्स, इन दिस टॉपिक ऑलरेडी इन क्लास वी डिस्कस्ड व्हाट इज रिफ्रिजरेंट एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रिजरेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रिजरेंट्स, राइट। द जनरली रिफ्रिजरेंट्स आर प्राइमरी रिफ्रिजरेंट्स एंड सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट्स, राइट। So what is the primary refrigerants? Primary refrigerants means this is direct take place the heat from the products. कोई भी products होगा, heat will be taken from the direct. So that is in the primary refrigerant. What is the secondary refrigerant? First it will be cooled by the primary refrigerant, then it will give the heat, then it will give take the heat from the products. That is secondary refrigerants. Okay, already we discussed in the class. In primary refrigerants there are different type: azeotropy refrigerants, halocarbon refrigerant, hydrocarbon refrigerants, inorganic refrigerants, right? We are already discussed. And secondary refrigerant, brine solutions, sodium chloride, and NaCl. Okay, we are already discussed. Today our topic is global greenhouse effect, global warming, and ओजोन डिप्रेशन, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, देन वी गो फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, सो जनरली व्हाट इज ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इन अर्थ वी हैव ए ट्रीज। इन अर्थ क्या होता है, अर्थ में हमारे ट्रीज है। जनरली क्या होते हैं, द ह्यूमंस और एनिमल्स वट एवर इट मे बी, इट विल टेक ऑक्सीजन एंड इट विल बी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस फ्रॉम द ट्रीज एंड ट्रीज विल बी रिलीज O2, राइट। ये है, ये अगर हमने, अगर सपोज O2 अगर हमारा कम हो जाए, अगर CO2 अगर ज्यादा हो जाए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टू टेकिंग द एयर, टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, बिकॉज ऑफ CO2 अगर ज्यादा हो जाएगा तो O2 हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 90 डेज में क्या हो रहा है, सारा हमारा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहा है, वो रेफ्रिजरेंट को यूजेस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हमारा ओजोन लेयर का जो ऊपर में है स्ट्रेटोस्फीयर, वो अगर डायरेक्ट सनरेस में उसमें पड़ेगा, वो अगर डैमेज हो जाएगा तो रेस डायरेक्टली हमारा इसमें पड़ता है। सो वो अगर निकाल देना है तो हम लोग को ट्रीज को हम लोग को ज्यादा हम लोग को बनाना पड़ेगा। सो हम लोग को ज्यादा पेड़ पौधा हम लोग को चलाना पड़ेगा। सो और हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज करता है, दैट विल नॉट बी हार्मफुल टू द एटमोसफियर, दैट विल नॉट गिव एनी इफेक्ट टू द एटमोसफियर। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन, अबाउट द रेफ्रिजरेंट्स। सो द ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट इज, हम लोग ने जो हमारा यूज निकलता, हम लोग जो हमारा ह्यूमन बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं वो बाहर निकाल के हमारा ऑटो ऑक्सीजन से लेते हैं। तो दिस इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जनरली हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज में भी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में हमारा क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज द एवरेज, हमारा ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ, इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ। जनरली टेम्परेचर अगर कम हो, जनरली नॉर्मली रहते हैं, लेकिन उससे अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर अर्थ में बढ़ जाता है, तो हमने इसको कंट्रोल करना है। तो जनरली क्या होता है, सो द एबिलिटी टू सबस्टेंस, द एबिलिटी टू इंक्रीज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड NO2 एमिशंस एंड CSF रिफ्रिजरेंट, राइट। CSF क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, राइट। क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिफ्रिजरेंट जो है तुम्हारा, उसका वजह से हमारा जो है ये जो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल, टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग इज मेजर्ड बाय द ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GW से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करते हैं, GWP से हमने ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करते हैं, राइट। जो कितना हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका वजह से हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि CO2 हमारा, NO2 जो है तुम्हारा ज्यादा रिलीज होते हैं। तो हमने जनरली हम बात करते हैं तो इसका जो GWP है तुम्हारा, इसमें ज्यादा हमारा हेलोकार्बन का जो रेफ्रिजरेंट्स है
उसमें हमारा जीडब्ल्यूपी ज्यादा रहता है। जीडब्ल्यूपी फॉर एग्जांपल R22 को हम देखते हैं, उसमें 100 हमारा जीडब्ल्यूपी रहता है, 100 हमारा जीडब्ल्यूपी रहता है, राइट। जीडब्ल्यू पर सीओ इज इक्वल टू 1, जीडब्ल्यू पे सीओ तो हम चेक करते हैं हमारा इट इज 1, राइट। बट ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू थिंक अबाउट द रेफ्रिजरेंट्स, दोज रेफ्रिजरेंट्स आर अफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। दिस इज द ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इट इज द एवरेज, इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ, राइट। इट इज ए ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन माने क्या होता है? हमारा ओजोन डिप्लेशन माने हमने जो हमारा वन क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय 10^5 ओजोन मॉलिक्यूल्स, 10^5 ओजोन मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओजोन डिप्लेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस, द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस टू डिप्लॉय द ओजोन लेयर वी कॉल्ड एज ए ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल करके हमने कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल करके हमने इसको कहते हैं। जनरली क्या होता है हमारा, सो CSF रेफ्रिजरेंट्स है, CFC रेफ्रिजरेंट्स जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स जो है, उसमें हमारा क्लोरीन एटम का रेंज जो है ज्यादा रहता है, क्लोरीन एटम का रेंज जो है हमारा ज्यादा रहता है। तो ये जो है हमारा R11, R12 जो है इसमें हमारा ज्यादा रहता है। तो इसको हम लोग को जो है क्लोरीन एटम ज्यादा होने से वजह से हमारा ये प्रॉब्लम करता है, जो ओडीपी हमारा लमसम 1 तक करता है। एंड हमारा बात करते हैं सीएफसी का रिप्रेजेंट्स को, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये दीज आर द सीएफसी रिफ्रिजरेंट। नेक्स्ट इज एससीएफसी, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा R22 हमने लेते हैं तो 0.05 का हमने बात करते हैं, 0.05 का रेंज का हमारा रहता है। R23 भी 0.02 का भी रहता है, R23 भी हमारा 0.02 का रहता है। सो बट द R134a there is no chlorine atom, the ODP is equal to 0. R134a, this is refrigerant, or R154a also will be there, R154, 52a also will be there. So that is also, ODP is 0. So that's why nowadays we are using in air conditioning system and refrigerator R134a we are using. But R134a is also as a good service because of it will be given an eco-friendly refrigerants. Eco-friendly refrigerants are 152a and 134a. R134a and R152a. These are the eco-friendly refrigerants, right? स्टूडेंट्स हम लोग इस रेफ्रिजरेंट्स टॉपिक में जनरली हम लोग देखे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग करके ये तीन टॉपिक चीज को हमने पढ़ा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी वी शेयर्ड इन द क्लासरूम। थैंक यू स्टूडेंट्स।